Very, very good afternoon, all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning Garden. I am Dr. Manju. Continue करते हैं chapter 4, carbon and its compounds. इस chapter में हम saturated and unsaturated carbon compounds तक study कर चुके हैं. हमने बताया कि saturated carbon compounds वो होते हैं जिनमें carbon carbon के बीच में single bond होता है और unsaturated carbon compounds में carbon carbon के बीच में double bond और triple bond रहता है. अब यहाँ पे हम सेक्शन 4.2.2 करते हैं. इसमें है आपका चेन्स, ब्रांचेज और रिंग्स. ये देखिए, हमने जो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन होता है उसमें हमने देखा था कि कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है. कैटिनेशन प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड रहता है. मतलब एक कार्बन एटम, सॉरी, वन कार्बन एटम binds to another carbon atom. तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड एस्टेब्लिश करने की, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी. तो ये कार्बन में बहुत हाई एक्सटेंट तक कैटिनेशन प्रॉपर्टी रहती है. ड्यू टू दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे मिथेन हैज वन कार्बन एटम, इथेन हैज टू कार्बन एटम एंड प्रोपेन हैज थ्री कार्बन एटम, बट सच चेन ऑफ कार्बन एटम कैन कंटेन मैनी मोर कार्बन एटम्स. ये चेन आपकी बहुत लंबी हो सकती है. यहाँ पे जैसे टेबल 4.2 में कुछ फार्मूला और स्ट्रक्चर दिए हैं कार्बन कंपाउंड्स के, वो हम देख लेते हैं. अब ये देखिए, ये जो कंपाउंड्स हैं, दीज कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. इसमें दो तरह के एटम है. तो जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन. कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल आप देख ही रहे हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, या आपका इथीन, प्रोपाइन, सारे जो जो इस तरह के एग्जांपल्स हैं जिसमें आपका कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, दीज आर हाइड्रोकार्बन. ओके, अब जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन का हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं. चार हाइड्रोजन एटम, ये बाउंड होते हैं वन कार्बन से और इस तरह की स्ट्रक्चर होती है. इथेन, इथेन का फार्मूला होता है C2H6, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एंड जो कार्बन की रिमेनिंग थ्री वैलेंसीज हैं दे आर सेटिस्फाइड बाय थ्री हाइड्रोजन ऑन ईच कार्बन. सो वी कैन सी हाउ सिक्स हाइड्रोजन आर attached with these two carbon atoms. Next है propane. Propane का formula होता है C3H8. ये देखिए, यहाँ पे propane, alkane जहाँ पे हैं, alkane, ये देखिए ane, जहाँ पे आपका alkane में हमने बताया आपका carbon carbon के बीच में single bond रहता है, ये आपके alkane हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे again carbon carbon के बीच में single bond and remaining valences of the carbon they are satisfied by hydrogen atom. Next आपका है butane. ब्यूटेन में हम फार्मूला इसका होता है C4H10 और स्ट्रक्चर होती है, ये हमें हम इस टेबल में जो दिखा रखा है ये आपके स्ट्रेट चेन वाले दिखा रखे हैं. पहले हम स्ट्रेट चेन वाले देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि ये जो हमने बात की थी में कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो आपके स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, वो आपके ब्रांच भी हो सकते हैं. ब्रांच अगर एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ इस तरीके से अटैच हो तो ये जो आपका ब्रांच हो जाएगा, और ये आपके जो है रिंग में भी हो सकते हैं. कि सपोज करो ये आपका कार्बन है, ये कार्बन है, ये हमने जब हम देख रहे थे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन उसमें भी हमने डिटेल से पढ़ा है. तो ये जो आप देख सकते हैं कि कार्बन के कंपाउंड आपको रिंग में भी मिल सकते हैं, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे जो आपको फार्मूला और स्ट्रक्चर दिखाए हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिखाए हैं ये आपको स्ट्रेट चेन वाले दिखाए हैं. तो यहाँ पे ब्यूटेन में आप देखिए कार्बन कार्बन चार कार्बन है, सभी के बीच में सिंगल बॉन्डेड कार्बन है और फिर रिमेनिंग वैलेंस से हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो रही है. आपका पेंटेन, पेंटेन का फार्मूला है C5H12. यहाँ पे पांच कार्बन एटम है, फाइव कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. और हेक्सेन का फार्मूला है C6H12. यहाँ पे सिक्स कार्बन, अगेन हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और रिमेनिंग वैलेंसेस दे आर सेटिस्फाइड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. यहाँ पे जैसे अभी हम अगर ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में देखो, एक तो ये जो हमने कार्बन स्केलेटन देखा,
तो ये है स्टेट चेन वाला। तो इफ यू मेक द कार्बन स्केलेटन विद फोर कार्बन एटम, तो यहाँ पे दो डिफरेंट पॉसिबिलिटी हैं। एक तो हमने बताया कि ये जैसे स्ट्रेट चेन वाला है, इसको हम ब्रांच वाला भी बना सकते हैं। इसको जैसे आपका ये ऐसे दिखाया है, इसको आप दिखाने के लिए सेम इसी स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये आपका कार्बन यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप नंबरिंग करेंगे, इसका जो नोमेनक्लेचर है वो स्टडी करेंगे आगे कमिंग वीडियोस में, लेकिन अभी हम इसको समझते हैं। जब आप इसका नंबरिंग करोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो कार्बन है ये सेकंड कार्बन पे है, 1 2 3। यहां से भी आप देखोगे तो 1 2 3 सेकंड कार्बन पे आपका कार्बन अटैच्ड है। तो यहाँ पे जो ब्यूटेन की दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, और रिमेनिंग वैलेंसेज हमने बताया कि ये हम हाइड्रोजन से फिल कर सकते हैं, क्योंकि ब्यूटेन है, ब्यूटेन आपका केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा। ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10, ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। अब ये फार्मूला कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों में फार्मूला सेम है दोनों स्ट्रक्चर में, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। देखिए ये स्ट्रेट चेन बना रहा है और ये जो है आपका ब्रांच बना रहा है। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है इन दोनों में फार्मूला सेम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो सकता है। देखिए स्ट्रक्चर अलग अलग है, फार्मूला सेम है, C4H10 दोनों का फार्मूला वही है, लेकिन आप स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखेंगे वो अलग अलग है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो, दे हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर को आपको डिफाइन करना है, आपको डेफिनेशन देनी है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है? सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब यहाँ पे अभी जैसे हमने बात किया कि अगर हम स्ट्रेट और ब्रांच कार्बन की तो हमने बात कर ली कि ये आपने स्ट्रेट बना दिया, ये ब्रांच बना दिया। इसके अलावा जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि रिंग भी बना सकते हैं। सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। जैसे यहाँ पे आपका साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल दिखाया है, ये C6H12 आपका साइक्लोहेक्सेन है। तो ये कैसे जो है रिंग में इस तरह से अरेंजमेंट हो सकती है, क्योंकि तो ऐसा नहीं है कि ये चेन नहीं बना सकता, आपका स्ट्रेट चेन बना सकता है C6H12। यहाँ पे आपका ये दिखाया है साइक्लोहेक्सेन, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है अगर आपका हेक्सेन होता, अगर आपका ओनली हेक्सेन होता तो उसमें फार्मूला होता C6H14, लेकिन साइक्लोहेक्सेन है तो फार्मूला है C6H12। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम साइक्लोहेक्सेन में 12 है और हेक्सेन में 14 है। तो यहाँ पे जो आपके वैलेंसीज हैं, वैलेंसीज जो है दीज आर सेटिस्फाइड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 6 कार्बन है रिंग में अरेंज है, उसके बाद क्योंकि हर एक कार्बन 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विद 2 कार्बन एटम, तो हर एक कार्बन के पास 2 वैलेंसी बचती है एंड दीज 2 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय 2 हाइड्रोजन एटम, सो टोटल 12 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। तो यहाँ पे हमने कार्बन स्केलेटन ऑफ साइक्लोहेक्सेन का देखा, और ये हम कंप्लीट मॉलिक्यूल बोल सकते हैं क्योंकि स्केलेटन में हमने केवल कार्बन स्केलेटन दिखाया कि कार्बन किस तरह से अरेंज होंगे, और कंप्लीट मॉलिक्यूल आपका जो आपका C6H12 है उसका स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट हम बात करें, अगर जैसे मान लो आपको ये साइक्लोहेक्सेन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करनी है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम इतने सारे मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर चुके हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, ये बहुत आसान है। केवल आपको जैसे कार्बन के आपको इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि 1 2 3 4, और उसके बाद आपको जैसे शेयरिंग दिखानी है, अगर यहाँ पे एक कार्बन एटम है 1 2 3 4, तो अगर यहाँ पे ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं तो इनकी शेयरिंग हो जाएगी, और यहाँ पे अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर करता है दिस हाइड्रोजन एटम,
सॉरी दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद अनदर हाइड्रोजन एटम एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल शेयर विद अनदर हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन डोर स्ट्रक्चर है हम बहुत ही डिटेल में अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब जैसे स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो दीज आर सैचुरेटेड। बट अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड आप बेंजीन आपका एग्जाम्पल है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेंजीन की स्ट्रक्चर, ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब ये कार्बन जो है ना इधर से डबल बॉन्डेड है, इधर एक सिंगल बॉन्ड से इस कार्बन से अटैच है, रिमेनिंग वैलेंसी कितनी बची, 2 और 1 3 कंप्लीट हो गई, 1 बची। तो इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है। अब ये कार्बन इस साइड से सिंगल बॉन्ड है तो इधर आएगा डबल बॉन्ड। सॉरी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कार्बन के जो है ना 3 बॉन्ड अदर कार्बन एटम के साथ है और रिमेनिंग 1 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है हाइड्रोजन एटम से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एटम, सिंगल हाइड्रोजन एटम, एंड एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विद 1 कार्बन बाय सिंगल बॉन्ड एंड 1 कार्बन बाय डबल बॉन्ड। तो ये इस तरह से बेंजीन की स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब हम अगर बात करें कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और अगर इनके बीच में हम बात करें जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम अल्केन्स बोलते हैं, जबकि जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें अगर डबल बॉन्ड है तो उनको हम बोलेंगे अल्कीन, उनको बोलेंगे अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको बोलेंगे अल्काइन्स। अगर आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं तो उनको बोलेंगे अल्काइन्स। तो ये है हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं उनको अल्केन्स बोलते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड दे आर कॉल्ड अल्केन, एंड दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड दे आर कॉल्ड अल्काइन्स। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।